नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सब लोग अच्छी प्रकार से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों आज मैं मलिहाबाद आया हूं मुजासा और जैद नर्सरी की विजिट कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि यहां कौन कौन से फलदार पौधे मिलते हैं, क्योंकि इनके पास मैंने सुना है काफ़ी तरह की वैरायटियां हैं, जो कि लाल वैरायटी मैंगो खास तौर पर इनके पास है। तो पूरा विजिट कराऊंगा। इससे पहले चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको दिखा सकूं। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो को करता हूं स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यहां बहुत सारे फलदार पौधे आपको दिखाई देंगे, जिसमें नींबू है, संतरा है, मौसम्मी है, चीकू है और बहुत नाना प्रकार के फलदार पौधे। देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये नारियल का पौधा भी आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे आपको आसानी से और कम रेट में मिल जाएंगे। और इनका ऑनलाइन सप्लाई नहीं है फ़िलहाल, तो ये ऑफलाइन ही बेचते हैं। और इनसे पौधा लेने के लिए इनके नर्सरी पे ही आना पड़ेगा। और इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ जाके आप बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों ये अमरूद की वैरायटी थी ताइवान पिंक। बहुत सारी वैरायटियाँ मैंगो की यहाँ पर रखी हुई हैं और आप देख सकते हैं ये चीकू का पौधा। आपको मैं धीरे धीरे करके इनके नर्सरी के सारे प्लांट दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए कैमकॉर्ड लेमन जिसे बोलते हैं, नारंगी का पौधा वो भी है। और इजीली तरीके से मैं आपको दिखाऊँगा कि आप भी देख सकें यहाँ पर कौन कौन से पौधे मिलते हैं। ये जैक फ्रूट का पौधा है और सब ग्राफ्टेड प्लांट ही मिलेंगे, जिसमें जल्दी से जल्द फल आ जाते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ फ्लावर के भी कुछ प्लांट मिल जाते हैं। और ये देख लीजिए मैंगो का है, दशहरी मैंगो, दशहरी जो कि मलिहाबाद की फेमस है। यहाँ पर इसका पौधा बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। इसके अलावा अरुणिका, अंबिका, टॉमी एटकिन, सेंसेशन और थाई ऑल टाइम, वस्त्रा मैंगो, पूषा की कुछ एक दो वैरायटियाँ इनके पास उपलब्ध हैं। अमरूद की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, जिसमें ताइवान पिंक, ताइवान वाइट, इसके अलावा L49, सरदार, बर्फ खाना, बहुत सारी वैरायटियाँ अमरूद की आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि मैं आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। ये चौसा मैंगो है, जो कि देख सकते हैं 5 फुट का है। और ये कुछ और प्लांट्स मैं दिखा रहा हूँ अमरूद के हैं। और इनका रेट इतना सस्ता है, मैं किसी भी प्लांट का रेट नहीं बताऊंगा। दोस्तों मैं आज आपको इनके मदर प्लांट्स दिखाऊंगा। सेंसेशन का है, टॉमी एटकिंस का है, अरुणिका का है, अंबिका का है, बेंगलोरा है, सारे मदर प्लांट्स आपको दिखाऊंगा और इनके बाग में मैं जाके ही दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में रहा हूँ। ये देख लीजिए जो मैंगो आपको मैं दिखा रहा हूँ, पूसा सूर्या मैंगो है। जिन्होंने नहीं देखा है पूसा सूर्या मैंगो, आप देख लीजिए, काफ़ी मैंगो इसमें लगे थे लेकिन अब सीजन जा रहा है तो इसमें फ़िलहाल एक मैंगो बचा हुआ है, पूसा सूर्या। कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इससे भी ये पौधे तैयार करते हैं, अभी इन्होंने जल्द ही ये पौधा लगाया है। कुछ और प्लांट्स मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देख लीजिए। इनके पास आंवला के भी ग्राफ्टेड प्लांट मिल जाएंगे, सेब के मिल जाएंगे, बहुत सारी वैरायटियाँ, यानी कि जो नर्सरी में सेब, आड़ू, अंजीर के पौधे भी मिल जाते हैं। जो है एक खेत में हूँ कह सकते हैं आम के, और ये जो खेत है ये जैद नर्सरी का है और यहीं पर तैयार होते हैं मदर प्लांट से छोटे छोटे पौधे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ और आपको सबसे पहले मैंगो दिखाता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों कितने बड़े बड़े मैंगो हैं। और ये सेंसेशन है ना, सेंसेशन की देख लीजिए, अभी कच्चे हैं और जिसमें कलर आ गया है कुछ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देख लीजिए सेंसेशन के, और ये मदर प्लांट है। और उधर आपको दिखा दूँ, ये देखिए कलर आ रहा है और उसको थोड़ा सा किसी कपड़े में पैक किया गया है, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग डाली काट कर पौधा बना लेते हैं। तो ये है मदर प्लांट, आप देख सकते हैं इस प्लांट की उम्र 3 साल है। और ये देखिए कलर आ चुका है, सेंसेशन का पौधा आपको दिखा रहा हूँ, कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत। और ये जैद नर्सरी का खेत है और इसमें ये लगा हुआ सेंसेशन का मदर प्लांट। तो मैं दोस्तों आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि मदर प्लांट भी दिखाऊं। ये देखिए मैंगो भी लगा है, मैंगो का इनके लिए कोई महत्व नहीं होता है। दोस्तों जैद नर्सरी के ओनर ने इस मैंगो प्लांट पर 40 तरह के ग्राफ्टिंग की है और 40 तरह के मैंगो इस प्लांट पे
आते हैं, तो जिसमें से मैं कुछ मैंगो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि सीजन जा रहा है और काफ़ी मैंगो इसमें से गिर चुके हैं। तो कुछ मैं मैंगो आपको दिखा रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। सेंसेशन है, अंबिका है, अरुणिका है, टॉमी एटकिंस है, इसके अलावा भी बहुत सारी जो वेराइटियाँ हैं इस मैंगो प्लांट में लगी हुई हैं। दोस्तों ये जो पौधे देख रहे हैं ये वैरायटी है मल्लिका, जिसका कि आम आपने देखा होगा, मैंने मैंगो फेस्टिवल में दिखाया था कि मल्लिका आम कितना बड़ा बड़ा होता है, कितना खूबसूरत होता है, ये उसी का ओरिजिनल पौधा है और यहाँ पर मदर प्लांट से तैयार किया जाता है। तभी मैं दोस्तों इनके बाग में खुद आया हूँ चेक करने के लिए कि इनके पास मदर प्लांट हैं या नहीं और ये पौधे कैसे तैयार होते हैं। इनका कहना है कि हम ओरिजिनल वैरायटी ही तैयार कर, ये अंबिका मैंगो का है पेड़ और इससे भी काफ़ी पौधे तैयार किए जाते हैं और इस वक्त इसमें फ्रूट नहीं है लेकिन इसमें काफ़ी फ्रूट लगे हुए थे। ये है अंबिका मैंगो का, ये पत्ते देख लीजिए दोस्तों कैसे होते हैं अंबिका मैंगो के, पहचान लीजिए, बिल्कुल क्लोजअप में दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। अंबिका मैंगो की पत्तियाँ बिल्कुल क्लोजअप में ये देख लीजिए, चौड़ा चौड़ा पत्ता होता है और थोड़ा मोटा होता है, बहुत ही बेहतरीन। ये जो मदर प्लांट आप देख रहे हैं ये टॉमी एटकिंस का है, देखिए कितना खूबसूरत लगता है टॉमी एटकिंस का पौधा जो कि मदर प्लांट है। अल्फांसो का है और देख लीजिए इस वक्त इसमें सब मदर प्लांट से तैयारी हो रही है पौधे बनाने की, ये लोग डाली काट लेते हैं, ये देखिए दिखा रहे हैं आपको डाली कट चुकी है, तो काफ़ी बड़ा इनका बाग है यहाँ से पौधे देख रहे हैं। मैंगो सेंसेशन है और कितना बेहतरीन देखने में लग रहा है, और ये है मदर प्लांट। बहुत सारे सब्सक्राइबर मदर प्लांट देखना चाह रहे थे तो मैं मदर प्लांट ही आपको दिखा रहा हूँ, सेंसेशन का मैंगो, और देखिए लेट वैरायटी होता है और कितना खूबसूरत कितना बड़ा, और कलर देखिए अभी पूरे तरीके से आ नहीं पाया है, बहुत बेहतरीन। दोस्तों देख लीजिए ऐसे ही पौधे तैयार किए जाते हैं, ये अंबिका पौधा, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं अंबिका मैंगो का मदर प्लांट है और मैं जयद नर्सरी के खेत में हूँ इसीलिए मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मदर प्लांट कैसे होते हैं। ये अंबिका मैंगो का मदर प्लांट है, कितना मोटा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे तैयार किए जाते हैं पौधे, काफ़ी मेहनत लगती है और देखिए चाचा ऐसे ही मेहनत करके दोनों लोग हैं दिन रात मेहनत करके पौधे आप लोगों के लिए तैयार करते हैं। सर ये कौन सा मैंगो है? बेंगलोरा। काफी बड़े साइज का होता है और जी। कैसा खाने में ये खाने में अच्छा होता है, इसका समझ लो इसमें समझ लो हल्का वो भी है जैसे सेट भी इसमें आ गया हल्का सेट भी अच्छा हो गया अच्छा अच्छा कलर भी। हाँ ये तो बहुत छोटे पे ही फल दे रहा है। हाँ इस पौधा नहीं है काफी जो है बड़े साइज का, इसमें जो है अगर इसको पौधा लगाया जाए तो कितने समय में फल आ जाता है? कम से कम जो 3 साल में फल इसमें आ जाएगा। 3 साल में लेकिन मतलब आप जाता है 1 साल में लेकिन फूल को काटना पड़ता जी, है जी, जी, तो जी, आप देख लीजिए ये ऑल टाइम मैंगो है और जहाँ तक मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ ये भास्त्रा मैंगो है और आप लोगों को क्लोजअप में दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए ऐसा होता है, हल्का सा चपटा टाइप का होता है भास्त्रा मैंगो, खाने में मीठा होता है और इसका फ्रूट देख लीजिए आप लोग, काफ़ी बड़े साइज का होता है, ये बहुत तादाद में लगता है, फ्लावरिंग छोटा फल फूल सब चलता रहता है एक साथ, ऑल टाइम भास्त्रा मैंगो से बोलते हैं, ये भी इनके पास है। दोस्तों ये जो आप मदर प्लांट आप देख रहे हैं अरुणिका मैंगो का है और इसमें हर साल फल आता है और रेड कलर का होता है, टमाटर की तरह या देखने में मैंगो लगता है और बहुत ही सुंदर, इसकी पत्तियां भी आपको मैं दिखा रहा हूँ अरुणिका मैंगो की। यहाँ बहुत सारे मदर प्लांट से पौधे तैयार किए जाते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये पौधा ड्रॉप वैरायटी का होता है और छोटी वैरायटी के होने के कारण हम जल्दी फल आ जाते हैं। इनके पास हज़ारों की तादाद में पौधे तैयार किए जाते हैं अलग अलग वैरायटी के और ये अपने स्वयं के मदर प्लांट से ही तैयार करते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो था जैद नर्सरी विजिट पर था और मैंने बहुत सारे मदर प्लांट्स आपको दिखाए, ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में, नमस्कार।